वेयर आर स्लाइवरिक लैंड सिचुएट इन मैन वट आर देयर फंक्शन स्लाइवरिक लैंड आर सचुएट इन द माउथ ऑफ मैन एंड कंटेन स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइन स्लाइवरिक लैंड सिक्रीट स्लाइवा एंड म्यूसिन इन स्लाइवा हेल्प टू डुप्लीकेट द फूड फॉर सॉल्विंग यानी जो स्लाइब्रिक लैंड है उसके अंदर स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है जिसको हम स्लाइवरी अमाइलेज कहते हैं और बैक्टीरिया को किल करने वाला एंजाइम भी प्रेजेंट होता है नेक्स्ट है स्टेट टू फंक्शन परफॉर्म बाय बाइल जूस बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है लीवर से और लीवर से रिलीज़ होने के बाद वो इमल्सिफाई करता है फैट को फैट टू फैटी एसिड बाइल जूस आल्सो न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड इन द स्टमक

यानी पानी का एब्जॉर्बन होता है यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ कॉलन हेल्प टू द फिकस थ्रू द एनस यानी जो वेस्ट मटेरियल है उसको एनस की तरफ ले जाने में भी ये मूवमेंट करता है हाउ वुड डाइजेशन ऑफ फूड बी एफेक्टेड इफ़ द बाइल डक्ट इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड अगर बाइल डक्ट जो है ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा तो बाइल डक्ट से आने वाला जो बाइल जूस है वो आएगा नहीं और बाइल जूस का काम क्या होता है इमल्सिफाई करना तो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस रुक जाएगी यानी फैट जो है उसका डाइजेशन रुक जाएगा हाउ वुड इट अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन द ड्यूडेनम ऑफ मैन इफ़ दे आर ब्लॉकेज ऑफ पेनक्रिएटिक डक्ट तो पेनक्रिएटिक डक्ट में जो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स होते हैं वो वहाँ पर हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन को तो वहाँ डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे तो ये वहाँ इफेक्ट देखने को मिलेगा